हरे कृष्ण भाई जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि अभी हम लोग वैसे नॉर्मली ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ते हैं या फिर भीष्म पितामह का पढ़ते हैं, कुंती महारानी का, बड़े बड़े चरित्र पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में, और हम लोग नेचुरली बातें सब चीज़ें क्लास में डिस्कस भी करते हैं और खुद प्रयास भी करते हैं कि कुछ एक आधा परसेंट या 0.01% कुछ अपने लाइफ में उतार सकें। लेकिन वो भी ये देखा जाता है कि डिस्पाइट रेपिटेड प्रैक्टिसेस, डिस्पाइट प्रैक्टाइजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, our offending mentality does not go. So what to do, Prabhuji? कल मैंने एक वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। उसने एक जार दिखाया था और जार में पानी भरा हुआ था, प्लेन वाटर, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति ने क्या किया, उस जार में, उस पानी में बहुत सारी मिट्टी डाल दी, और मिट्टी जब डाली तो वो पूरा जार जो है मिट्टी से भरा हुआ था। अब ये कहें कि पॉजिटिवली थिंक करो तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो पूरा जार जो है मिट्टी से भरा हुआ है। तो फिर क्या करना होगा, उस समय पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाया उन्होंने, उन्होंने पाइप लिया जिससे पानी बहुत फोर्स से आ रहा था, उसी जार के अंदर डालने लगे, और सोने प्लेन वाटर डालने लगे, तो जार की जो गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, बाहर निकलने लगी, और वो काफी देर तक डालते रहे, जब तक वो गंदगी ना निकल जाए वो पानी डालते रहे। और करीब 15-20 मिनट के बाद वो जार के अंदर जो गंदगी थी वो सारी बाहर निकल गई, और अल्टीमेटली उस जार में केवल प्लेन वाटर रह गया। और समझे इस एग्जाम्पल को, तो इसी तरह से क्या है, हमारा दिमाग भी जो है उस जार में गंदगी जैसे भरा हुआ, वैसे भरा हुआ, हमारी चेतना इतनी गंदी है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, यानी कि प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से कृष्ण भावना का जब अनुशीलन करेंगे तो धीरे धीरे वो गंदगी सारी बाहर निकलेगी। तो इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होगा या एक फोर्टनाइट में भी नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। लेट अस नॉट गेट डिस्करेज कि हमारे अनर्थ नहीं जा रहे हैं। वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर एक्टिविटीज, वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर रूटीन एक्टिविटीज, वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर साधना, वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर सर्विसेज, वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर ड्यूटीज। बाकी कृष्ण की कृपा जिस दिन होगी ये सारी गंदगी दूर हो जाएगी। कहने का मतलब है, हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव, जो क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कल्टीवेट करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करना है, तब जाके वो जार की सारी गंदगी जो है बाहर निकल जाएगी। सो द बाहर जो जार के अंदर जो गंदगी है, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ प्लेन प्योर वाटर। इसी तरह से प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम लोग बार बार डालते डालते हम क्या करेंगे, सारी गंदगी को बाहर निकालेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। थैंक्स अ लॉट, हरे कृष्ण।